नमस्कार दोस्तों, देखिए जो हमने ये सिंगल रिंग में ये डबल रिंग बनाया है जिसमें डायमंड रिंग भी है साथ में, और इसको किस प्रकार डालना है ये आपको हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ये उस तरफ से डलते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक तो इनको अलग अलग डालने की आवश्यकता नहीं है, एक ही बार में ये रिंग डाले जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे प्रॉपर मार्किंग करके 6 इंच में ये रिंग डाले जा रहे हैं। आप अड्डे से ये सरिया हटाया और बीच में से ये रिंग डाल दिए। तो आगे हम दिखाते हैं आपको इसको बांधना किस तरीके से है और उस पर वायर किस तरीके से लगानी है और क्या इसकी सेटिंग आएगी। तो ये देखिए, ये हमने ये कॉलम ये बांध दिया है, 2 कॉलम के डायमंड रिंग वाले। देखिए इसकी क्या प्रॉपर सेटिंग इनकी आई है, जो हमने सिंगल रिंग में ही ये डबल रिंग हमने बनाया है जिसमें डायमंड रिंग और दूसरे वाला रिंग जो 12x15 का है ये भी हमने इसी तरीके से बनाया है। दोनों कॉलम ये इस तरीके से बनाए गए हैं। देखिए इनकी फिनिशिंग कितनी ज़बरदस्त आई है। अगर अलग अलग रिंग डालते हैं तो कॉलम की फिनिशिंग इतनी बढ़िया नहीं आती, इस प्रकार से इसमें आई है। तो आइए आपको इसको बांध के दिखाएंगे। इसमें जो रिंग की स्पेसिंग कर दी गई है, अब इसको बांधेंगे और इसकी फुटिंग किस प्रकार करनी है वो हमें ड्राइंग में देखना पड़ेगा, इसकी फुटिंग क्या है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास ये दोनों अलग अलग रिंग होते तो पहले हमें ये बड़े वाला रिंग डालना पड़ता और बाद में ये डायमंड रिंग डालना पड़ता, तो जिसमें को डालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब यहाँ पे ये एक ही रिंग में दोनों रिंग बनाए गए हैं, तो इससे एक तो डालने में आसानी है और इसको एक बांधने में भी आसानी रहेगी। देखिए ये डालने जा रहे हैं यहाँ पे, इस प्रकार से डालने हैं। ये जो कॉलम है ये इन पिलरों के साथ खड़े होंगे, जो ये पिलर खड़े हैं यहाँ पे इनके साथ में खड़े होंगे। तो इनकी फुटिंग भी है जो इसी प्रकार से करनी है। इसकी जो 12 वाली साइड है वो 18 वाली साइड के साथ में लगेगी यहाँ पे, तो इसकी फुटिंग भी इसी प्रकार से करनी है ताकि जब इसको खड़ा किया जाए तो इसकी में कोई दिक्कत ना आए खड़ा करने में। यहाँ पे इनके साथ में ये खड़े होंगे कॉलम इनके साथ में यहाँ पे। तो अगर हमने इसके पैर चारों तरफ कर दिए, इसके फुट जो फुटिंग है, तो इसको खड़ा करने में दिक्कत आएगी और बाद में या तो उनको काटना पड़ेगा, तो इसलिए पहले ही इनको इसी तरीके से बनाया जा रहा है ताकि बाद में इनको इरेक्ट करने में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि एक साइड में हम पैर नहीं कर रहे, उसको अंदर ही करेंगे। जैसे देखिए ये इस प्रकार से किया गया, 2 साइड में ये इसके पैर हैं, जो पैर की इसकी लंबाई है फुट की वो हमने 1.5 फुट रखी है, और जो नीचे जाली का साइज आएगा वो भी यहाँ पे फाउंडेशन खोदी जा रही है तो उसके हिसाब से यहाँ पे जाली डाली जाएगी। अब इसको बांधना किस तरीके से है वो हम आपको दिखाते हैं। जो प्रॉपर तरीका है वो तार बांधने का यही है। देखिए ये तरीका प्रॉपर है तार बांधने का। जब भी कॉलम बांधें, बीम बांधें, DPC के बीम में इसी प्रकार से तार आपको घुमा के लगानी है, और ये किस प्रकार लगानी है ये भी आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे तार के बंडल का सेंटर किया हुआ है, तो तार किस प्रकार लगानी है ये दिखाते हैं आपको। इसको तार को सेंटर से बेंड करना है प्रॉपर, और प्रॉपर बिल्कुल रिंग के बिल्कुल क्लोजली इसको तार को घुमाना है। अगर ये थोड़ा दूर से घूमेगी तो रिंग के अंदर इधर उधर हिलने की चाल रह जाएगी, तो इसको बिल्कुल जितना हम क्लोजली इसको हम रखेंगे तार को, उतना ही बेनिफिट हमारा जो है टांका लगेगा उसका होगा। अगर इसको दूर रखेंगे तो ये सरिया भी इधर उधर हिलेगा और ये रिंग भी इधर उधर हिलेगा। तो इसको जितना हम क्लोज में इसको तार को रिंग के क्लोज में और सरिये के साथ में घुमाएंगे उतना ज़्यादा ये बेटर रहेगा और उतनी ज़्यादा इसकी टांके की स्ट्रेंथ रहेगी। तो जब भी टांका लगाएं तो इसी प्रकार से लगाना है। और जो आगे अगर कभी भी आपको डायमंड रिंग का कॉलम बनाना है तो उसके लिए हमने एक और वीडियो बनाई है डायमंड रिंग की, कि डायमंड रिंग एक ही रिंग में किस प्रकार बनाना है वो हम इसके डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल देंगे। तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को भी देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।